हम जंगल में नहीं घुसे देन कंपनी मान ला अदानी ला ना हम बस्ती में नहीं घुसे देन। नोटिफाइड कॉरिडोर नहीं है लेकिन हाथियों का प्रेजेंस वहाँ पे हमेशा से है। इतने कमिटमेंट्स रहे हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स रहे हैं हसदेव को बचाने के लिए। खुद कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट का अपना कमिटमेंट रहा है इसको बचाने के लिए। जब राहुल गांधी खुद 2015 में मदनपुर में आके खड़े हुए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है सरकार और कंपनी मिल करके, हमारा जो जगह जमीन है उसको छीना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ मनीष। अपने जंगल ज़मीन और पर्यावरण को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए सरगुजा ज़िले के उदयपुर क्षेत्र से, फतेहपुर क्षेत्र से करीब 300 ग्रामीण आदिवासी भाई बहन रायपुर के लिए निकले हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से ये मुलाकात करने निकले हैं। सरकार बनने से पहले राहुल गांधी ने इन्हें वादा किया था कि इनके जो जंगल हैं, इनकी जो ज़मीन है वो सुरक्षित रहेंगे। पर छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, सरकार अपने वादे से भी पलट गई और आज अडानी का साथ देते हुए लगातार इनके क्षेत्र में जो कोल माइंस, उस कोल माइंस के विरोध में ये रैली जो है इस तरीके से पदयात्रा निकाली गई है। करीब 300 किलोमीटर की पदयात्रा है। अभी हम रायपुर हाईवे पर करीब रायपुर से 75 किलोमीटर पहले एक जगह पर ठहरे हुए। आप देख सकते हैं जो लोग हैं पैदल चलने वाले, थक कर चूर हो चुके हैं, पर इनका हौसला अब भी वैसा ही है। ये रायपुर 13 तारीख को पहुंचेंगे और 13 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इनकी मुलाकात होगी, जहां ये अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रमुख हैं, इस पूरे पदयात्रा में नेतृत्व कर रहे हैं आलोक शुक्ला जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं और आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि आज पदयात्रा करना पड़ा। रायपुर के लिए निकले हुए हैं, कितने ग्रामीण हैं आपके साथ में और कितने किलोमीटर की ये पदयात्रा है? अभी लगभग 300 से ज़्यादा लोग हैं जो लगातार चल रहे हैं और जब रायपुर पहुंचेंगे तो और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। मांगे आपकी क्या है, प्रमुख मांगे क्या हैं और किस वजह से पदयात्रा निकालनी पड़ी? ये हसदेव का जो इलाका है, जो एक समृद्ध वन इलाका है, यहाँ पर कोयला खनन परियोजनाओं में विशेष रूप से अडानी के लिए उस पूरे इलाके को तबाह किया जा रहा है। 5 कोल ब्लॉक अभी शुरू की जा रही हैं। एक तो ग्राम सभाओं ने विरोध किया था, उसके बावजूद भी आवंटन हुआ। अब ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद भी गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कोल बेलिंग एक्ट से भूमि अधिग्रहण हो रहा है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जो वन स्वीकृति की प्रक्रिया, उसमें वन अधिकार मान्यता कानून का उल्लंघन करके फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर पलसा कोल ब्लॉक की भूमि वन स्वीकृति हासिल की गई। हसदेव का जो इलाका है, हम सब जानते हैं कि बहुत समृद्ध वन इलाका है। आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व तो जुड़ा ही है, लेकिन ये पूरे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बांगो बांध, मिनी माता बांगो बांध हसदेव नदी का कैचमेंट है, जिससे 2.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। ये स्वयं मंत्रालय ने संपूर्ण इलाके को 2010 में नोग इलाका घोषित किया था और कहा था कि यहाँ माइनिंग नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके, इस यहाँ पे जो पर्यावरण की चिंताएं हैं उसको दरकिनार करके, हसदेव नदी और जो किसानों को पानी जाता है उसकी चिंताओं को दरकिनार करके, आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, उनको दरकिनार करके, साइड करके और सिर्फ कॉरपोरेट मुनाफे के लिए माइनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार आंदोलन के बावजूद भी लोगों की मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि स्वयं कांग्रेस पार्टी ने हसदेव के आंदोलन को 2015 में समर्थन दिया था। राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि जंगल जमीन आपका है, किसी को भी यहां से विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई में साथ है। लेकिन दुखद रूप से कांग्रेस में की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनी है, वो हसदेव के साथ जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने के बजाय अंततः सरकार अडानी के दबाव में चुप बैठी हुई है और जो गैरकानूनी कार्य हुए हैं, जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है, उसको सतत यथावत जारी रखते हुए अभी पलसा कोल ब्लॉक की माइनिंग शुरू की जा रही है। यदि ये 5 कोल ब्लॉक खुल गए तो 7 गांव सीधे रूप से विस्थापित होंगे, 15 गांव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, 70,000 से एकड़ से ज़्यादा घना वन क्षेत्र समाप्त होगा और ये पूरे हसदेव को खोलने की कायावर है। जब परसा ईस्ट केतेवासन खोला तब ये कहा गया कि इसके अलावा कोई नई कोयला खदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब परसा ईस्ट चालू हुआ, अब आप कह रहे हैं 3 और खदानें खुलेंगी, कर ये खुलेगी तो आप पूरे हसदेव को खोल रहे हैं। अंततः हम किसोल जा रहे हैं, क्या
ऐसे इलाके जिनको आपने स्वयं माना है कि यहाँ पे माइनिंग होगा तो अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे। मानव हाथी द्वंद्व हाथी का कॉरिडोर है, हाथी का रहवास इलाका है। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व का जो संकट है, पिछले 3 सालों में 204 लोग मारे गए हैं, 40 से ज़्यादा हाथी खत्म हुए हैं। यदि आप अभी भी उन इलाकों में ऑल माइनिंग करेंगे, जंगलों का विनाश करेंगे, तो आप सोचिए छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व का संकट किस पैमाने पर खड़ा होगा। तो ये तमाम चिंताओं को दरकिनार करके भी खनन को आगे बढ़ाना समझ से पड़े हैं। इसीलिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि जब आप नहीं सुन रहे हैं, लोगों ने हर स्तर पर आवेदन दिया है, जिला कलेक्टर से लेकर केंद्रीय मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, स्वयं मुख्यमंत्री को 2-2 बार कहा है कि ये भूमि अधिग्रहण रद्द करिए, फर्जी ग्राम सभा की जाँच करिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए तय हुआ कि हम रायपुर ही पहुँचते हैं, 5वीं अनुसूचित इलाकों के प्रशासक के रूप में राज्यपाल बैठे हैं और मुख्यमंत्री की अपनी जवाबदेही है राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो हम जाएंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे और राजधानी रायपुर के लोगों से भी अपील करेंगे कि हसदेव के जो आंदोलन है उसमें वो साथ दें और उस इलाके को बचाने के लिए आइए, हम सब एकजुट हों। आपने कहा कि 2015 में राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि विस्थापन नहीं होगा, आज जो स्थिति है तो राहुल गांधी को ये बात आपने बताने की कोशिश की? देखिए, राहुल गांधी जी को लगातार पत्राचार हुआ है। हमने हसदेव के लोगों ने और बाकायदा पंचायत प्रतिनिधियों ने कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को पत्र लिखा है उस वादे को याद दिलाते हुए कि आप अपने वादे पे अमल करिए, और यदि इस तरीके से आज आप हसदेव में बाद आए, आपने आदिवासियों के साथ कमिट किया और उसके बाद आपकी ही कांग्रेस पार्टी यदि उन आदिवासियों को उजाड़ेगी, उस जंगल को काटेगी, तो आप सोचिए कि क्या दोबारा राहुल गांधी जी आदिवासी इलाकों में जाके इस तरीके के संवाद कर पाएंगे, वादा कर पाएंगे, लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे। तो सवाल यही है, हम मानते हैं कि राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता हैं, वो कहीं ना कहीं एक इस पूरे देश में इस कॉरपोरेट के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, जो पूरी क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अडानी अम्बानी हम दो हमारे दो की बात, वो आदिवासी किसान मजदूरों के हक में लगातार लड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो उनकी संवेदनशीलता है वो निश्चित तौर पे इसको संज्ञान लेंगे, शीघ्र संज्ञान लें और अपनी छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस पार्टी है जो आदिवासियों के साथ खड़े होने की बजाय अडानी के साथ खड़ी हुई है, उस मामले पे उनको शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो हसदेव का मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अपने छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं आपको बता दूं कि सरगुजा का जो ये इलाका है जहां पर अडानी माइंस चल रहा है, कोल माइंस, ये सबसे रिच फॉरेस्ट माना जाता है और इसे हाथियों का घर भी कहा गया है। आप लोगों ने पिछले कोविड के टाइम पे भी करीब 75 दिन लगातार आंदोलन किया था, गांव के लोग लगातार उस आंदोलन को जारी रखे हुए थे, कोविड के कारण वो आंदोलन स्थगित करना पड़ गया। क्या उस समय कोई ऐसी बात हुई थी, आश्वासन मिला था? देखिए, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा, जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, हसदेव के लोग आए थे मुख्यमंत्री जी के पास और उस समय भी बात रखी थी, फलजी ग्राम सभा और हसदेव के मुद्दों पे ज्ञापन भी दिया था, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। फलजी जो ग्राम सभा हुई है, पलसा कोल ब्लॉक जो कि राजस्थान सरकार के पास आवंटित और अडानी के पास MDO है, जिससे सरगुजा जिले की 3 गांव अभी तत्काल विस्थापित होने वाले हैं, उसके भूमि अधिग्रहण और ये रमन सिंह, दुखद बात यह है कि ये गैरकानूनी कार्य पिछली रमन सरकार में हुआ, इस सरकार को तो तत्काल जाँच के आदेश देने चाहिए, अब क्यों बच रहे हैं। इसीलिए उसकी जांच के लिए और जो बिना ग्राम सभा सहमति के कोल बेलिंग एक्ट लगा के भूमि अधिग्रहण हुआ है उसे निरस्त करने की मांग को लेकर जब हमने आवेदन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 75 दिनों तक हमने धरना दिया। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार होने के बाद कोई एक अधिकारी, कोई एक मंत्री ने संवाद स्थापित नहीं किया लोगों के साथ। कोविड और पंचायत चुनाव आने के कारण उस धरने को स्थगित किया था और हम सतत कह रहे हैं कि हसदेव की लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, ये पिछले 10 सालों से चल रही और आगे भी सतत चलेगी, पदयात्रा भी उसका एक हिस्सा है। हमारा संकल्प है किसी भी कीमत पर वो हसदेव को बचना चाहिए, जो वहाँ की ग्राम सभा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि हसदेव की लड़ाई एक लोकतांत्रिक, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि एक ऐसा आंदोलन है जिसने कानून का कोई दरवाज़ा नहीं बचा होगा जहाँ ना खटखटाया हो,
पर्यावरणीय स्वीकृति के TOR से लेके उसकी जनसुनवाई और EAC कमेटी तक आपत्तियां दर्ज करना, वन सलाहकार समिति में दर्ज कर आपत्तियां दर्ज करना, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हर स्टेज पे आपत्तियां दर्ज करना, लेकिन सारी आपत्तियों को आज तक चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो दरकिनार करके आप आगे बढ़े हुए हैं। उन्हें कभी संज्ञान नहीं लिया गया सिर्फ और सिर्फ अडानी कंपनी के दबाव में। तो जो लोग कानून और संविधान पर भरोसा करके, लोकतंत्र पर भरोसा करके लड़ रहे हैं पिछले एक दशक से, यदि उस लड़ाई को आपने नहीं ध्यान दिया तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान पे लोगों का विश्वास खत्म होगा। बिल्कुल, संविधान पे लोगों का भरोसा जो अब तक बना है वो ना टूटे, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जो वादा करते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के बनने के बाद, आज वही सरकार उस वादे को भूल जाती है इस चिलचिलाती धूप में। और ये कॉन्क्रीट का सड़क है आप देख सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो लगातार करीब 250 किलोमीटर अब तक पैदल चल चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी थके हुए हैं, इसलिए यहाँ कुछ देर छांव में रुके हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पद यात्रा उनको क्यों करनी पड़ रही है और क्या मजबूरी है आपकी। माता जी, आप बताइए कि आप कहाँ जा रही हैं? ये सुन, रायपुर। क्या करने जा रही हैं रायपुर? हमार जगह जमीन लूटे बरकर थे कंपनी हर, तो हम नहीं दें। हमार जगह जमीन में हम सब जात उजार के खाथन, पान तोड़थन, मऊहा बिछथन, पुटू खुखड़ी सब लोड़थन, तो हमार पुरखा के जमीन में हम सब जात उजार के खाथन, वो जमीन ल नहीं दें तो जबरदस्ती करते कंपनी मन, तो हम नहीं दिए थे मन। कौन कंपनी वाले लोग जबरदस्ती कर? आई ऐसा कंपनी जार मन कहते दे ले तो हम नहीं दें। हम जंगल में नहीं घुसे दें कंपनी मान ला अदानी ला, न हम बस्ती में नहीं घुसे दें। हमार जंगल में सब हरा भरा सामान है, पुटू खुखड़ी चार तेंदू मऊहा, जंगल में जाथन तो सब जात पाथन, वो हमार गुजर बसर करथन। कि ये जो पदयात्रा है हसदेव बचाओ पदयात्रा जिसका नाम रखा गया है, ये जो गांधी जी के सपनों का भारत हुआ करता था ना कहीं उसी सोच को आगे बढ़ाने की तरफ जो है ये पदयात्रा निकली है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी, तो उस दिन फतेहपुर में ही जो इस पूरे आंदोलन का, हसदेव को बचाने के इस पूरे आंदोलन का एक बड़ा सेंटर रहा है 2019 से जब अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ, तो हसदेव में आवंटित जो कोयला खदानें हैं खास करके परसा, केते एक्सटेंशन, पतुड़िया, गिदमुड़ी, मदनपुर, इन सारी जो परियोजनाएं हैं इनके लिए जो स्वीकृति, वन स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति, इनसे ये जो सारी प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से चल रही है। इसके अलावा परसा का जो भूमि अधिग्रहण है वो कोल बेयरिंग एक्ट से हुआ था, जिसका लगातार वहाँ पे लोगों ने विरोध किया है। जितने एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे लिखा जा सकता है कोल कंट्रोलर से लेके, सारे लोगों को इसकी लिखित आपत्तियाँ लोगों ने दी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उस पर कोई संज्ञान या फिर कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा, बैक टू बैक हसदेव में जितनी भी खदानें आवंटित हैं उसको कोल बियरिंग से ही एक्वायर करने का जो पूरा एक मामला चल पड़ा है ना, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, नॉट ओनली हसदेव में, पूरे छत्तीसगढ़ में, कोरबा में भी जो नई खदानें आ रही है इनफैक्ट SECL की, उसका भी कोल बियरिंग एक्ट से ही जो है अधिग्रहण चल रहा है। और वो साफ तौर पर ये कह दिया जाता है कि ग्राम सभा कंसेंट का उनको दरकार नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि CBA कोल बियरिंग एक्ट 1957 में ग्राम सभा का कोई प्रावधान है ही नहीं कि उनको कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन बात ये है इसमें कि कोल बियरिंग एक्ट भी एक सेंट्रल लॉ है, उसी तरह अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पैसा कानून भी एक सेंट्रल लॉ है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक लॉ का पालन होगा और दूसरे लॉ का पालन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। 5th शेड्यूल एरिया के लिए पैसा के जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में से निकल के आए हैं। तो अगर ग्राम सभा कंसेंट लिया नहीं गया है तो लोगों का ये कहना है कि ये जो भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया है ये अपने आप में इलीगल है, गैरकानूनी है और इसको निरस्त होना चाहिए। तो ये मुख्य मुद्दा है कि एक तो इतने कमिटमेंट्स रहे हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स रहे हैं हसदेव को बचाने के लिए, खुद कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट का अपना कमिटमेंट रहा है इसको बचाने के लिए, जब राहुल गांधी खुद 2015 में मदनपुर में आके खड़े हुए, खुद इनका ही मंत्रालय ने 2010 में इसको नो गो एरिया घोषित किया था,
खुद 2011 में जब परसा ईस्ट केतेबासन को जयराम रमेश ने स्पीकिंग ऑर्डर देकर स्वीकृति दी थी तो ये बोला था कि नहीं, इसमें एक कंडीशन ऐसा डाला जाएगा जो परसा ईस्ट केतेबासन की वन स्वीकृति में ऐसा एक कंडीशन है भी, कंडीशन नंबर 18, जिसमें लिखा है कि हसदेव का जो मेन एरिया है उसको कभी भी कोयला खदानों को उसको ओपन नहीं किया जाएगा। तो जब इतनी सारी चीज़ें, देन लेमरू के डिक्लेरेशन की बात हुई, लेमरू के एरिया को बढ़ाने की बात हुई कि उसको हम मैनी फोल्ड्स बढ़ा देंगे ताकि उस जगह को संरक्षित किया जा सके, क्योंकि वो एक नोटिफाइड कॉरिडोर नहीं है लेकिन हाथियों का प्रेजेंस वहाँ पे हमेशा से है। कब से ये पदयात्रा जो है शुरू हुआ था? ये पदयात्रा शुरू हुई है 4 अक्टूबर से, मदनपुर से ही शुरू हुई, जहाँ पे राहुल गांधी ने आके चौपाल लगा के वहाँ पे हसदेव के जो 20-30 गांव के लोग थे उनको आके उनके संघर्ष में उनका समर्थन किया था, कि वहाँ से ही शुरू हुआ। देखिए संख्या तो 300 के आसपास है जो लोग लगातार चल रहे हैं डेली, ऑन एन एवरेज लोग 30-35 किलोमीटर चल के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं, और इसी तरह चलते हुए 13 तारीख को जो है लोगों का रायपुर आगमन होगा, और 14 को फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो हैं उनसे मुलाकात करके इस 5th शेड्यूल एरिया को बचाने के लिए, इस पूरे वन संपदा को बचाने के लिए, इस बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति और ये सारा जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की महत्व की चीज़ें हैं इसको बचाने के लिए ही ये पूरा आंदोलन है जो 7-10 साल से चल रहा है। और ये पदयात्रा, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि पदयात्रा कोई निर्णायक लड़ाई है, नहीं, हमें पता है कि हमें लड़ते रहना पड़ेगा और ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आज आदिवासी कम्युनिटी जो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ से वो सड़कों पर, ऐसा लग रहा है पैर में तकलीफ है, बहुत तकलीफ है सर, हम लोग को धूप में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और चलने में भी बहुत दिक्कत होता है, पैर में छाले आ गए हैं, और जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपना जगह ज़मीन को बचाने के लिए, इसीलिए हमको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, हमारी सरकार भी हमारा बात को मतलब दरकिनार कर रही है, जो हमारा अधिकार है उसको हमसे छीन रहा है, अब इसीलिए जा कर के हम लोग अपना पूछेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कि क्या हमारा जो अधिकार है वो हमारा हक नहीं बनता है, हमारा अधिकार मांगने का, तो हम अपना हक के लिए और जो अधिकार बनता है उसको जा कर के हम मांगेंगे और पूछेंगे कि जो हम लोग को 5वें अनुसूची क्षेत्र में जो अधिकार दिए हो उसको हमारे क्षेत्र में लागू क्यों नहीं कर रहे हो? जी हम रायपुर तक पदयात्रा कर रहे हैं, जो हमारा जो हसदेव क्षेत्र है बहुत ही समृद्ध जंगल है, घना जंगल है, उस जंगल में बहुत ही हाथी का रवाज क्षेत्र है, तो हम चाह रहे हैं कि वो बचे और जो बांध जो है हसदेव बांध वो भी बचा रहे, इसलिए हम उसको बचाने की कगार में हम मुख्यमंत्री के पास हम जा रहे हैं पदयात्रा लेकर। और देखिए तकलीफ तो चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें एक अपने जो गांव है जो हसदेव का क्षेत्र है उसको बचाने के लिए ये तकलीफ भी हमें कम ही लग रहा है, हम उसको बचाने के लिए कुछ भी और कर सकते हैं।